अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई खैरागढ़ जिला आगरा द्वारा नगर अभ्यास वर्ग का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला खैरागढ़ में कराया गया, जिसके प्रथम सत्र में आगरा विभाग प्रमुख श्री ब्रजेश चतुर्वेदी जी, जिला सह प्रमुख श्री मनीष तोमर, नगर मंत्री धीरज सिकरवार, नगर सह मंत्री निक्की सिंघल उपस्थित रहे। मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित व पुष्पमाला अर्पण कर प्रथम सत्र का उद्घाटन किया गया और इसी क्रम में द्वितीय सत्र में आगरा विभाग प्रमुख ब्रजेश चतुर्वेदी एवं नगर उपाध्यक्ष योगेंद्र सिकरवार उपस्थित रहे, जिसमें आगरा विभाग प्रमुख ब्रजेश चतुर्वेदी ने संगठन का परिचय इतिहास विद्यार्थियों के समक्ष रखा। तृतीय सत्र में प्रांत शोध प्रमुख मनमोहन एवं नगर सह मंत्री मोहित सिकरवार भी उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में मनमोहन जी भाई द्वारा सभी विद्यार्थियों को परिषद के कार्यों के बारे में बताया गया। अंतिम सत्र चतुर्थ सत्र में क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री मनोज निखरा जी भाई साहब एवं आगरा विभाग प्रमुख श्री ब्रजेश चतुर्वेदी उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय मनोज ने सर्वप्रथम क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय मनोज निखरा भाई साहब द्वारा सभी विद्यार्थियों से परिचय एवं वार्ता की, जिसमें उनके द्वारा विद्यार्थियों के संगठन का संक्षिप्त परिचय दिया गया। इसी क्रम में आदरणीय भाई साहब द्वारा विद्यार्थियों को विद्यार्थी परिषद के कार्य पद्धति एवं विद्यार्थी परिषद का संक्षिप्त परिचय दिया। इसी क्रम में विद्यार्थी परिषद के सदस्यों से सदस्यता के संबंध में वार्ता की और इस संबंध में आदरणीय भाई साहब ने विद्यार्थियों को आधुनिक काल एवं भूतकाल में भारत की तुलना एवं उनके कालों में भारत के परिवर्तन के बारे में बताया और इसी क्रम में भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर विद्यार्थियों को नगर की सफाई, वृक्षारोपण आदि के लिए प्रेरित किया। अंत में जिला सह प्रमुख मनीष तोमर द्वारा नवीन कार्यकारिणी के नवीन दायित्वकर्ताओं की घोषणा की और उनका सम्मान किया। कार्यक्रम के अंतिम रूप में खैरागढ़ में एक भव्य पदयात्रा निकाली गई, जिसमें छात्रों की एकता को नगर के सम्मुख रखा गया। मैं निशा सिंघल, विभाग सह संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज जो प्रोग्राम हुआ है, इसके किसके माध्यम से हुए और ये क्या मतलब जो है, अखिल भारतीय विद्या परिषद का ही जो कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में बताइए। जी, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर अभ्यास वर्ग हुआ है, जिसमें विभिन्न कॉलेजों स्कूलों से आए हुए विद्यार्थी, शिक्षक एवं अतिथिगण शामिल हुए इसमें। आज विद्यार्थी परिषद ने की एक नगर की कार्यकारिणी का भी गठन हुआ है, जिसमें अब नगर के नए दायित्वों के साथ नए कार्यकर्ता जो काम करेंगे नगर में, ऐसी एक टीम बनी है नगर की। आज ही नगर अभ्यास वर्ग में और वर्ग में 3-4 सत्र रहे, जिसमें हमें अपने आदरणीय मनोज निखरा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी हमारे बीच में रहे आज पूरे दिन कार्यक्रम में, उनका हमें आशीष प्राप्त हुआ और विभिन्न कॉलेज स्कूलों से आए हुए विद्यार्थी भी सुबह से शाम तक उपस्थित रहे हमारे साथ। उन्होंने विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति सीखी, विद्यार्थी परिषद क्या काम करती है ये सीखा उन्होंने, विद्यार्थी परिषद का क्या काम रहता है। जैसे कि हमारे मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि क्या है विद्यार्थी परिषद और क्या काम करती है विद्यार्थी परिषद, तो आज उन क्वेश्चनों को ही खत्म करने की कोशिश है विद्यार्थी परिषद की। अभ्यास वर्ग यही बताता है आपको कि परिषद क्या काम करता है, तो निश्चित ही आज यहाँ आने वाले विद्यार्थियों ने ये सीखा कि विद्यार्थी परिषद क्या है और क्या काम करती है। इसमें एक सत्र रहा कार्य पद्धति, जिसमें विद्यार्थी परिषद के कार्य बताए गए। एक सत्र था ऐतिहासिक, जिसमें विद्यार्थी परिषद की स्थापना कब हुई और स्थापना से लेकर अब तक विद्यार्थी परिषद ने क्या क्या काम किए हैं, कितने कितने किए हैं, वह सब बताया गया विद्यार्थी परिषद के बारे में। तो विद्यार्थी परिषद का जितने लोग भी पूछते हैं कि क्या है विद्यार्थी परिषद, तो उन्हें एक बार आना चाहिए और नगर अभ्यास वर्ग अटेंड करना चाहिए। मैं अमन बंसल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जिला सह संयोजक एवं पूर्व में प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा हूँ। अच्छा सर, ये जो प्रोग्राम हुआ इसके बारे में क्या कहोगे आप, बताइए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खैरागढ़ नगर इकाई द्वारा खैरागढ़ के अग्रवाल सेवा सदन में खैरागढ़ का जो नगर अभ्यास वर्ग, जो हमारे प्रतिवर्ष अधिवेशन भी होते हैं, प्रांत अभ्यास वर्ग भी होते हैं और प्रांत अधिवेशन भी होते हैं, उसी तरह से प्रत्येक साल की तरह इस साल भी खैरागढ़ के अंदर नगर अभ्यास वर्ग हुआ है, जिसमें लगभग 200 से 250 छात्र छात्राओं की भागीदारी रही है, जिसमें हमारे आदरणीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज निखरा जी मुख्य अतिथि के रूप में रहे एवं गणमान्य जितने भी खैरागढ़ के समाज सेवी एवं जो सहयोगीकर्ता हैं और हमारे वर्तमान की जो कार्यकारिणी है उन वो कार्यकर्ता रहे एवं इसी के साथ साथ जो हमारी नगर की जो अगली साल जो कार्यकारिणी चलेगी उस कार्यकारिणी की घोषणा की जाती है, जिसमें हमारे नगर अध्यक्ष और नगर मंत्री की अहम भूमिका रहती है, जो पूरे नगर की इकाई को एक गठित करते हैं और अपने हिसाब से अपने संगठनात्मक हिसाब से उस चीज़ को चलाते हैं। अच्छा सर, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम धीरज सिंह सिकरवार है। और सर, ये अखिल भारतीय विद्या परिषद का ये प्रोग्राम रखा है, इसके बारे में बताइए। जी, ऐसा है कि प्रतिवर्ष के जैसे हर वर्ष हमारे यहाँ पर हमारी जो नगर इकाई है, जिसको हम अपने संगठन में जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं उनका एक गुट कहते हैं, जो पूरे साल जो विद्यार्थी परिषद के कार्य हैं वो
जो पूरा नगर है उसके समक्ष प्रकट करते हैं। तो उस इकाई का आज गठन था, उसी गठन के बतौर गठन के बाद जो विद्यार्थियों के लिए अभ्यास वर्ग रखा गया था, जिसमें अभ्यास वर्ग में हमारे 4 सत्र लगे थे, जिसमें प्रथम सत्र में जो हमारे अतिथिगण आए हुए थे उन्होंने जितने भी विद्यार्थी और जो हमारे प्रतिनिधि थे उन सभी के समक्ष जो विद्यार्थी परिषद है उसकी कार्यशैली, कार्य पद्धति और सैद्धांतिक भूमिकाओं को उनके समक्ष रखा। उसी के साथ साथ हमारे जो और भी जो प्रतिनिधि आए हुए थे बाहर से, जो हमारे अतिथि आए हुए थे, जिसमें हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी आदरणीय मनोज निखरा जी भाई साहब भी उपस्थित हुए थे, जिन्होंने छात्र जो थे उनको उनके समक्ष अपनी बातों को रखा, उनसे बात की और भारत के 75 वर्ष आज़ादी के पूर्ण होने पर जो विद्यार्थी थे उनको स्वच्छता अभियान, वस्त्रदान, परिषद की पाठशाला और बहुत से विभिन्न कार्यों के लिए जो विद्यार्थी थे उनको प्रेरित किया। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर एक रैली निकाली गई, सारे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रैली निकाली गई। रैली से पूर्व हमारे जो इकाई गठन थी, इकाई का गठन किया गया, सभी जो नए नवीन कार्यकर्ता थे, नवीन दायित्वकर्ता थे, उनके नाम घोषित किए गए और उनका सम्मानपूर्वक सम्मान किया गया। और उसके बाद हमारे यहाँ से पूरे नगर खिरागढ़ में रैली निकाली गई और रैली से एक संदेश दिया गया कि जो छात्र हैं उन छात्रों में कितनी एकता है और जो छात्र हैं वो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसमें उस पीढ़ी को प्रदर्शित करते हैं। तो उसी के साथ छात्र शक्ति को प्रदर्शित किया गया और विवेकानंद जी की जो सोच थी उस सोच को पूरे नगर के समक्ष एक रैली के थ्रू हम लोगों ने प्रकट किया। धन्यवाद। R9 भारत के लिए संजय सिंह तोमर की रिपोर्ट, आगरा।